हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम मैंने गोटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टे पढ़ा, जो टॉपिकटार नेसेसिटी आम मानों पर बहुत अधिक अच्छी। स्पेशली जो मैंने ओस्टेड सीटीईटी ओटीईटी आरएचटी और जेटीसी प्रिपेयर करूँ से टीएलएम बाबद भल भाव जानवा निहाती दरकार। टीएलएम मैंने कौन, टीएलएम फुल फॉर्म मो क्लास कहबी। सो टीएलएम विषय में बेस जानापी हेल्ले मो क्लासटा को फास्ट रू लास्ट पर्यंत भल भाव देखु। जो मैंने भी मोर ऑनलाइन क्लास जॉइन करने को चाहूँगी, एडमिशन फीस 300 ही रही। एडमिशन फीस कौन, एक्चुअली कोर्स फी जो थे मुझे कंप्लीट पेडागोजी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करुँ। ओस्टेड सीटीईटी ओटीईटी आरएचटी और जेटीसी यूजफुल से जदि मो क्लासेस जॉइन करने को चाहूँ तेल यही व्हाट्सअप नंबर में मतलब व्हाट्सअप करेंगे। प्रतिदिन क्लास 8:30 PM हो ठीक अच्छे। सो यहाँ समस्त फिजेबल टाइम, किसी असुविधा हेनी। गुगल मीट्रे आम मैंने क्लास करुचे जो थे कि आपर डायरेक्ट जहाँ भी डाउट रोच क्लास टाइम मत पचारि पारे। आउ टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कराइ दीजिए, सो दैट जहाँ भी आपंकर डाउट रोचे आपर्सनाली मत लिखिकी जनई पारे। ओके, सो आउ डेरी नक चलत तो क्लासेस स्टार्ट करवा। आज जो मैंने भी क्लास मोर जॉइन कराइक चाहते जल्दी रू जल्दी जॉइन करूँ, कहीं बहुत जल्दी ओस्टेट और ओटीईटी नोटिफिकेशन आसपा जाऊँच। आउ सीटीईटी एग्जाम तो आपर डिसेम्बर में हम आपने जानते। सो आउ बिल्कुल भी समय हाथ में ना, बर्तमान जब प्रिपेरेसन स्टार्ट न कराए तो आपति भाव में यह जिनसटा पर हरा कर। सो लेट्स स्टार्ट। आज आम मैंने क्लास पढ़ा टीएलएम विषय ठीक अच्छे। टीएलएम विषय सो टीएलएम कौन, टीएलएम फुल फॉर्म टा आगे कहीदे। टीएलएम फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा को टीचिंग लर्निंग कामटा को जो मटेरियल जो टीचिंग एडटा फैसिलिटेट करिथाय बा इम्प्रूव करिथाय सरल साबलील करिथाय ताकू आमे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बा टीएलएम बोलिका कही था ठीक अच्छे। सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आमर रही यार किसी डेफिनेशन अच्छी, से डेफिनेशनटा एवं देखीद कौन अच्छी स्क्रीन रे अच्छी। TLMs are used to enhance the learning of students in the classroom. A teacher used it to make teaching learning effective. सपोज गोटे क्लास रे पिला अच्छा जो मैंने कि मैथमेटिक्स गोटे पर्टिकुलर जिनस को बुझी पार ना, सपोज कौन है ना त्रिभुज कौटा चतुर्भुज कौटा से गुड़ाक भितर डिफरेन्स पे बुझी पार ना। सो से टीचर कौन कर तार लर्निंग टीचिंगटा को एनहांस करने आउ लर्निंग टीचिंगटा को आहरी इफेक्टिव बनवाई कि जमीक पिला बेसी बोधगम्य होती कि टीचर कौन कर ना किसी टीएलएम यूज कर। से टीएलएम केमती है ना, से टीएलएम हो वर्ग क्षेत्र कागज में कटाई थी, सपोज ग्रीन कलर रे वर्ग क्षेत्र कटाई, देन आयत क्षेत्र कटाई रेड कलर रे, देन पिंक कलर रे कटाई त्रिभुज, देन आउ कौ कलर सपोज व्हाइट कलर रे कटाई वृत्त। आउ यही आकृति गुड़ाक देख कि कौन कर ना टीचर कौन कर ना पिला मानंकु कौन कर ना नुआ जिनसटे शिखेब लर्निंगटा को तर फैसिलिटेट कर जो थे पिला डाउट रही जाता से जिनसटा को टीचर कौन कर ना पिला शिखेब टीएलएम यूज करके जहाँफल कि पाने कौन हम ना जो पाठटा को बुझी पार ना जो पाठटा पढ़वे पिला बोरींग लगुला से ही पाठटा को पाने आहरी भल भाव सुंदर भाव में बुझीपारे ठीक अच्छे। तापर से आसला कौन ना आम नेक्स्ट पॉइंट रही कौन, नेक्स्ट पॉइंटा देखा नेक्स्ट पॉइंट लिखाई कौन ना टीएलएम ऑल्सो हेल्प लर्नर टू अचीव द लर्निंग आउटकम्स आफ्टर क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग। टीएलएम जे केवल क्लासरूम भितर यूजफुल ता नुहे, क्लासरूम बाहर लर्निंग आउटकमटा कौन रहा जानवे कौन कैर ना टीएलएम साहय कै। सपोज गोटे से बाहर को क्लासरूम बाहर को गला आउ घरे देखे गोटे टेबुल थुआई से टेबुल सरफेसटा ऊपरटा आयतकार कि वर्गकार सीए से कौन हम ना जापर ठीक अच्छे। सेमती सपोज सी कौन है ना तार पड़िया को जाए पड़िया शेपटा केमती पड़ियाटा वृत्ताकार पड़ियाटा अच्छी सेटा को सी जापर यही तार जहाँ भी टीएलएम यूज होती केवल तार यूज तार बेनिफिटा केवल क्लासरूम भितर सीमित ता नुहे, क्लासरूम बाहर यहाँ कौन कर पाला हेल्प कर। देन तापर से नेक्स्ट देखा कौन ना नेक्स्ट हूँ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने तुम जान उद्देश्य टीएलएम आम कहीं यूज करवा टीएलएम ऑब्जेक्टिव कौन देखा एवं टीएलएम ऑब्जेक्टिव कौन ना एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीएलएम इन एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ठीक अच्छे।
गोटे टीचर हिसाब से तुम टीएलएम को कहीं यूज कर तुम्हें कि तार ऑब्जेक्टिवटा कौन तुम्हें टीएलएम टा को एथिपाई यूज कर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीएलएम इन एनहांसिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग पिला लर्निंग रे टीएलएम रो इम्पोर्टेंसटा कौन तुम्हें जानवा दरकार से तुम्हें से टीएलएम रो आवश्यकता रही टीएलएम रो आवश्यकता कौन रही गोटे स्टूडेंट रो लर्निंग रे टीएलएम रो आवश्यकता कौन रही इम्पोर्टेंसटा कौन से तुम्हें मैंने जानवा दरकार आउ यो पाठटा पढ़ की तुम्हें जान सेकंड है क्लासीफाए द टीएलएम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टीएलएम गोटे प्रकार नुहे टीएलएम अनेक प्रकार तार क्लासीफिकेशन एज अ टीचर तुम्हें मैंने करा दरकार जो मैंने भी तुम्हें वर्तमान क्लास करुच तुम्हें समस्ते टीचर हम से ही उद्देश्य क्लास करुच तो सो टीचर ड्यूटी कौन क्लास टीचर ड्यूटी कौन टीएलएम टा को बेसीस यूज कर टीएलएम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन क्लासीफिकेसन कौन एगुड़ाक सब तुम्हें जाना दरकार देन थर्ड पॉइंट है डिस्टिंग्विश द यूज ऑफ टीएलएम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रे टीएलएम रो यूज डिफरेंट हबो जेमती मैथ रे तुम्हें जो टीएलएम यूज करिवो हुए तो सेइटा रो आमर सोशल साइंस रे किछ यूजेस नाही सो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रे टीएलएम रो डिफरेंट यूज हबो आउ एज ए टीचर ए जिंसटा को मध्य तुम्हें जानिबा दरकार नहले तुम्हें कोन करथबो ना गोटे पीरियोडिक टेबल टे नैथिबो ताकू सोशल साइंस क्लास रे देखे दबो ताकू साइंस क्लास रे देखे दबो ताकू नै कि तुम्हें मैथ क्लास रे देखे दबो ताकू तुम्हें विभिन्न प्रकार रो यूज करिवो से भलिया करिवोनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रे टीएलएम रो यूज कोन सेटा को तुम्हें जानिबा दरकार देन आसला फोर्थ पॉइंट प्रिपेयर लो कॉस्ट टीएलएम यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल्स टीएलएम पाई कि सरकार वर्ष को गोटे टीचर को 500 टंका दियंती 500 रुपीस तो सेतिपाई कि वार्षिक जदि गोटे टीचर 500 रुपीस पाउची ताले कोन से पूरा रंग बेरंग सुना नीला सुना हीरा लागितबा टीएलएम केबे देखै परिबो कि देखे पारे ना तो से कौन कर ना लो कॉस्ट टीएलएम जमी कम से कम टकर गोटे टीएलएम प्रिपेयर हो जाइपुरभिया टीएलएम टे टीचर प्रिपेयर कर जहाँफल जोटा कि लोकाली जो सामग्री गुड़ाक मटेरियल गुड़ाक आभेलेबल अच्छी ताद्वारा जमी से जिनसटा कौन हो ना प्रस्तुत हो पार्थिया किसी जिनस देख मैंने सपोज कौन ना सपोज टीचर पढ़ाऊँ आउ घूर्णन विषय पढ़ाऊँ घर्षण विषय पढ़ाऊँ से टीएलएम केमी देख ना निजे निज चपल चली चली कि घसी घसी कि चली चली के देखे पारे बा कौन करेंगे ना फैन रो घूर्णन देखे पारे से आउ गोटे आर्टिफिशियल जिनस आर्टिफिशियल फैन या पीछे पैसा खर्च करवा दरकार नहीं से जिनस ही कहे देन नेक्स्ट पॉइंट कौन इनवल्व स्टूडेंट इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टीएलएम जिते बड़े भी टीएलएम गोटे टीचर डिजाइन करेवलप करते बड़े स्टूडेंट मानवल्व करेंगे है सपोज कौन है तुम्हार मानने फुसफुस देखे मानते फुसफुस फंक्शन टा पढ़ेबार किंतु फुसफुस तो तुम पाखे पैसा नहीं कि बजेट नहीं गवर्नमेंट हाईस्कल मानकर तुम्हें गोटे फुसफुस कौटू आनबा मेडिकल स्टूडेंट मैंने भी पाँ ना पढ़ापी तो तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में पीला देखापी गोटे ओरिजिनल फुसफुस तो आनीपरि ना ह्यूमेन रहा कौन से एनिमल तो तुम्हें कौन कर गोटे बटल कर ठीक अच्छे गोटे बटल करमती गोटे ईटे जी जोटा कि तुम ट्राकिया दुटा बेलून आ भितर पुरेब यहीपटु पाइपटा ये लंबाटा हूँ पाइप दुटा बेलून आ भितर पुरेब यहीपटू फुंक है यहपटू फुंक सो दैट बेलून दुटा कौन हम फुलबना ना यूट्यूब्रे मोर रेस्पिरेसन रोटे क्लास आवेलेबल अच्छे पूरा रेस्पिरेसन टा मुझे पढ़े गोटे क्लास आवेलेबल अच्छे तो से जो ट्राकिया व्राकिया जो जिन जानवर अच्छे जो मैंने भी आम बायोलोजी स्टूडेंट अच्छे से यूट्यूब्र से भिडटा जाए देखिए है इंपोर्टेंट भिडटे मैंने यूजफुल भिडटे ओके सो से कौन है ना आमर रेस्पिरेसन कि सपोज आम कि गोटे टीएलएम देखेबार अच्छे आम पिला से ही कम इनवल्व करा पे कौन ये बेलून बांधि पारे ना यो पाइपटे लगे पारे ना गोटे बोतल आरेंजमेंट करें जदि आम जिनस गुड़ाक करेले हाथ में तेल से एक्सपीरियंस बेसी बढ़ो पढ़ा प्रति इंटरेस्ट आहरी बेसी आसो देन आसला एक्सप्लोर द वे फर फाइंडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल आम कौन करवा ना नुआ नुआ वेब हैला नुआ नुआ वेव फिगर आउट करिया पई चेष्टा करिबा जहाँफल कि आम पिला कि नुआ नुआ टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कौन करि परिबा ना एक्सप्लोर करि परिबा एबे देखिबा पर्पस ऑफ यूजिंग टीएलएम टीएलएम टा को आम कहीं यूज करवा टीएलएम यूज रर्पजटा कौन अलरेडी तुम्हें जाणीगल टीएलएम यूज करार पर्पस हूँ लर्निंग को आहरी इफेक्टिव बनई था टीएलएम से आम टीएलएम को यूज कर टीएलएम र्यवहार आम करवा उचित नंबर वन जिनस तुम्हें जाणीगल नंबर टू जिनस हूँ तुम्हें जाणीगल कौन ना लर्निंग को फैसिलिटेट करने टीएलएम रवश्यकता रही
सो कौन है ना टीएलएम को यूज करार पर्पज हूँ कौन फास्ट जिनस है टीएलएम कौन करता है ना कनसेप्ट फर्मेसन में साय टीएलएम कौन करता है ना कनसेप्ट फर्मेसन में साय मैंने कौन से गोटे जिनसर कनसेप्ट ये जो त्रिभुज चतुर्भुज आयताकृति ये सब जिनस गुड़ाक है आर जो कनसेप्ट जानवे टीएलएमटा आमको हेल्प कर डेफिनेटली देन तापर आसिबो मेकिंग लर्निंग फन लर्निंग टीचिंग को आहुरी फन ओरिएंटेड करिबो बा आहुरी सुखप्रद करिबो पिला माने पार्टिसिपेट करिबे एक्साइटेड हेबे खुशी मनरे सिखिबा पई जिंसटा ट्राई करिबे देन आसिला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पिला माने जहां भी क्लासरूम रे जिंसटा को सिखुचंती प्रैक्टिकली ताको केमती अप्लाई करि परिबे सेइटा ऊपर मध्ये हमको कोन करिबो ना ए जो जिंसटा ए जो टीएलएमटा सहाय्य करिबो ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट हमर कोन अछि ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जाए जाइए नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट चेंज इन आटीट्यूड पिलामानंकर आटीट्यूड आउ टीचर आटीट्यूड चेंज करिवारे एटा कौन करता है ना साहाज्य करता है जो पिलामाने एमती थांती जे आमे पढ़ीबुनी आमर इच्छा होनी पढ़ापी से जो आटीट्यूड थाए से ये जो टीएलएम यूजटा कौन करता है ना चेंज करता है देन तापर आसा हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग क्लासरूम टीचिंग टाक ऑर्गेनाइज करे माने सपोज गोटे टीचर किसी प्लान ना मुझे मटेरियल यूज करी आज मुझे पढ़ेबी कौ मेथड फॉलो करी एटा उपर जदि तांकर किछि आइडिया ही नाही सी कोन करिवे ना गोटे अनऑर्गेनाइज्ड वे रे गोटे क्लासरूम को ट्रांजेक्ट करिवे किंतु जदि से सब जिनसो प्लान करिछन्ते तांकर टीएलएम टा प्रॉपर अछि से भाबिछन्ते जे मु गोटे त्रिभुज देखैबी आउ सेही अनुसारे कोन करछन्ते ना से पेपर कटिंग करि गोटे त्रिभुज नेकि आछन्ते ताहाले तांको किछि असुविधा हबोनी तो तांको क्लासरूम टा अनऑर्गेनाइज्ड वे रे चालिबो फैसिलिटेटेड होलिस्टिक लर्निंग माने कोन पिला मानंकर सामग्रिक शिक्षण टा को प्रोत्साहित करवा सामग्रिक शिक्षण माने कौन सपोज आम जो जिनसटा को धरचे जो कनसेप्ट से धरिक चलो सपोज गोटे टीचर कौन करते ना त्रिभुज पढ़ाऊँच टीचर कहीदे त्रिभुज हूँ गोटे एमतीया शेप रहा हूँ तीन बाहू विशिष्ट यहाँ टू डी हो पार थ्री डी हो पार ये जो सब जिन गुड़ाक कहीदे एगुड़ाक गोटे स्टूडेंट कौन बुझीपर कि से ही अनुसार देखेबा कथा टू डी मैंने जे तार केवल गोटे दर्घ्य आ गए प्रस्त अच्छी थ्री डी मैंने तार उच्चता अच्छी एगुड़ाक सब देखिए जब टीचर पढ़ेले तार होलिस्टिक लर्निंगटा पसिबल हम देन आसला हेल्प इन रिटेनशन अफ इनफर्मेसन जदि पिला कौन से जिन घोषिक मन रखुच्चे से बेसी दिन रिटेन हो रहीपर बेसी दिन मन में रहीपर कितु जदि पाटे कौन कर ना कौन से जिनस को मानते देखिकी ता सेन्स अर्गान यूज करके से जिनसा को मन रखुच्चे से जिनसा को बेसी दिन रिटेन कर रखिपार देन आसा मोटेट लर्नर डेफिनेटली पाने जेहतु फन वे रे पढ़े पाने जेहतु प्राक्टिकाल आप्लिकेसन जानवे पिला आटीट्यूड चेंज हे पाला कनसेप्ट फर्मेसन हम सो डेफिनेटली से मोटेट हे पढ़ापी तुम गोटे रंग बेरंगर जिनस नहीं जी सो पाने डेफिनेटली मोटेट होगी ना ना पढ़ापी जमी बोरींगनेस आसवन बोर्डम आगे टच कर पारे देन आसा क्यारेक्टरीस्टिक्स अफ गुड टीएलएम है भल टीएलएम क्यारेक्टरीस्टिक्स कौन नंबर वन पॉइंट देखा नंबर वन पॉइंट कौन क्यारेक्टरीस्टिक्स अफ गुड टीएलएम ए टीचिंग एड्स आर लार्ज एनफ टू सीन बाय द स्टूडेंट फर हूम दे आर यूज सपोज तुम्हें क्लासरूम रोटे क्लासरूम सपोज एत बड़ क्लासरूम टे अच्छी एज ए टीचर तुम्हें ठिया हो पाने बसी तुम्हें एतिक बड़ टीएलएम टे आगे ठिया हो देखा कथा जहाँफल कि लास्ट लाइन में जी बसी देखा जाए कहीं ना तुम्हें पिला पर्पज रे हिं टीएलएमटा आनीच तुम्हें जदि पाला समस्ती को न देखा गला ताले लाभ कौन सपोज एत बड़ क्लासरूम टे अच्छे तुम्हें एड़ी टे त्रिभुज काटिकी आनीच पिला देखा जाने लाभ कौन लाभ नुए कि कितु अनेक समय तुम्हें भी स्कूल एक्सपीरियंस कर टीचर मैंने कौन कहते किए देखे किए न देखे और न देखे न देखी थाओ एमती कही दिखते कि कह कथ नुहे आम एत बड़ जिनटे यूज करवा उचित जहाँफल कि समस्त को विजिबल हो नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स आर मीनिंगफुल एंड दे ऑलवेज स्टैंड टू सर्व द यूजफुल पर्पज आमर जहाँ पर्पज अच्छी जो पर्पज रे आम पाला पढ़ाऊे से ही पर्पजटा को फुलफिल कला भाया आम टीएलएम टे यूज करवा कथा आम मन इच्छा टीएलएम यूज करना जमी कहली गोटे पीरियडिक टेबल अच्छी कौन करते ना हिस्ट्री क्लास यूज कर दूचे आम पर्पज फिल फुलफिल हम कि हिस्ट्री जो पर्पजा अच्छे से फुलफिल हम कि आम से टीएलएम टाक धरिक कौन करे ना जो मैथमेटिक्स क्लास यूज करे मैथमेटिक्स पर्पज से फुल कर कि फुलफिल कर कि करनी तो से जिनसा लिखाई देन थर्ड पॉइंट है टीचिंग एड्स आर अप टू द मार्क एंड अप टू डेट इन एव्री रेस्पेक्ट टीचिंग मटेरियल जहाँ भी तुम यूज करा अप टू द मार्क हवा कथ मैंने जो पर्पज रे तुम यूज करु से ही पर्पज अनुसार से डिजाइन हवा कथ अपडेटेड हवा कथ एमती ना तुम्हें कौन कर 45 वर्ष तलर पीरियडिक टेबुल आणिक केमिस्ट्री क्लास पाला देखा चो मैंने तुम फिजिकल साइंस क्लास पाला देखा चो आहुरी बहुत गुड़े एलिमेंट डिस्कवर हो गला 45 वर्ष भितर सेमती हेनी सेमती 2006 पूर्व आम सोलार सिस्टम जो थी प्लूटो ग्रह थिला से सोलार सिस्टम रे तुम्हें से सोलार सिस्टम रो गोटे पिक्चर आने के पिला मानन को देखो 2023 मसीह रे जो थी कि प्लूटो ग्रह बाद पड़ जाइए तो सेटा तुम्हारा केबे भी
ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ TLM ନୁହେଁ ବା ସେମିତିଆ TLM ତୁମେ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଅପଡ଼େଟେଡ୍ TLM ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଯେମିତିକି ଭାରତ ମ୍ୟାପ୍ ତୁମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ବି ଭାରତର ଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ର ମ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାର ଆଇଡ଼ିଆ କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ କି ଯେ ଭାରତଟା ଏମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ ହେବନି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ହେଲା। ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ବା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍, ଏତେ ମାନେ ତାମ ଝାମ୍, ଏତେ ରିଜିଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ଟି ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବନି ଯେଉଁଥିରୁ କି ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥିବ, ଚିପ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଲୋ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି, ଲୋକାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଲୋ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ଡ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବେଟର୍। ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଆଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ବେଲୁନ୍ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଟିଏ ତିଆରି କରିବ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ୍ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର 3ରେ ଏ ପାଠଟା ଅଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ କ'ଣ ଏ ପାଠଟା ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆର୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆର୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍। ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଯାହା ବି ତୁମେ ଦେଖାଉଛ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ରିଅଲ୍ ନ ହଉ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ସ, ଲଙ୍ଗ୍ସଟା ତୁମେ ଏମିତି ଦେଖାଉଛ ହେଲା, ଏମିତି ଦେଖାଉଛ, ସୋ ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ସ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଆ ଥାଏ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ 100% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କି 100% ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଆ କରିକି ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ ତା ଦେହରେ ଲଗାଉଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ସର ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦେଖାଉଛି କି, ପିଲା ଆମର ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଫ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ସ ରାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ବା କନ୍ସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେବ କି? ଏହାଦ୍ୱାରା ହେବନି ନା। ସୋ ତୁମେ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛ ସେଇଟା ରିଅଲ୍ ତ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆର୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆର୍ ଆକୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଯାହା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଟିଚିଂ ଏଡ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଯାହା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଟିଚିଂ ଏଡ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ଉଛେ, ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଟିକିଏ ଲୋ ଲେବଲ୍ର ଆଉ ଟିକିଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷଟେ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢ଼ଉଛେ, ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 10th କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାକୁ ଯାହାକୁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢ଼ଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଟିଚିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲେବଲ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଦେ ଆର୍ ପର୍ପସ୍ ମେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆମେମାନେ ଟିଚିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ଟାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବଲ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଯେମିତି ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଥିବ। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଯେ ଆମେ ଟିଚିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତା ଆମେ କେବେ ବି କରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଆମର ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯାହା ମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟ୍ କରିଛେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଷ୍ଟିପୁଲେଟ୍ କରିଛେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ତ୍ରିଭୁଜର କନ୍ସେପ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଚତୁର୍ଭୁଜର କନ୍ସେପ୍ଟ ବା ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କନ୍ସେପ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଚତୁର୍ଭୁଜର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯେମିତିକି ଆୟତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ରମ୍ବସ୍, ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷର କନ୍ସେପ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯାହା ବି ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି TLM ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପାଠଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଇଟା ହାସଲ ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆର୍ ରିଅଲି ଭେରି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ମେନି ଲେସନ୍ସ ଆଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଲେବଲ୍। ସୋ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିଦେଲ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଭାରିୟସ୍ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର ପୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ ନା ଅଙ୍କନ କରିଛ ହେଲା, ଘରେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଘର ପୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିଛ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଘର ପୋଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯଦି ପଢ଼ଉଛ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇପାରିବ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି କାହାକୁ ପଢ଼ଉଛ ତାକୁ ବି ଦେଖାଇପାରିବ। ସୋ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଫର୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଦ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ ଟିଚର୍। ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବ ବା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ର ଜାଗା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିବା କଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ହେଲା, TLMର ଟାଇପ୍ସ।
पीएलएम रो बहुत टाइप हो पारे, खाली एति कि नुहे बहुत टाइप हो पारे, किंतु मेजरली तीनटा टाइप को काउंट करा जाए। गोटे हला विजुअल एड, गोटे हला ऑडियो एड्स, आ गोटे हला ऑडियो विजुअल एड। ए तीनटा जिनस को मेनली काउंट करा जाए। विजुअल एड माने कोन, जोठी केवल तुमर आखिटा इन्वॉल्व थिबो, माने तुमे केवल आई सेंसेशन माध्यम रे बा विजुअल जो हमर सॉरी हमर विजन यूज करी बा दर्शनेंद्रिय रो सेंसेशन माध्यम रे कोन करि पारथिबो ना कोनसे जिनस को जानि पारथिबो। सेगुडा कोन कोन हो पारे ना, ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड रे किछ जिनस लेखुचंती ताको तुमे देखुचो आखि द्वारा देखुचो ना, फास्ट तुमे आखि रे रिसीव करचो से इंस्ट्रक्शन टाकु। देन तापर हला किछ पोस्टर हला तुमे देखुचो, जते बेले कोन होची ना तुमर इलेक्शन होची, एबे त इलेक्शन पुनी 24 रे आसीबो, देखिबो माछ चिन्ह, ये माछ चिन्ह तोर आसीबो नि, शंख चिन्ह, पद्म चिन्ह, आउ हमर हात चिन्ह, तुमे जानिबो जे हात चिन्ह देखि दे जानिबो जे ये होची कांग्रेस प्रार्थी, तापरे जो हमर शंख चिन्ह देखि दे जानिबो जे ये होची बीजेडी प्रार्थी। तो के से पोस्टर हला तुमको गोटे ये करची फ्लाश कार्ड, फ्लाश कार्ड माने टीचर पिला मानको किछ फ्लाश कार्ड क्लास रे देखांती। सपोज कलर पढौचंती, पिंक कलर देखैबे पिला माने कहबे पिंक, पिंक कलर रो कार्ड टे देखैबे पिला माने कहबे पिंक, ग्रीन कलर रो कार्ड टे देखैबे पिला माने कहबे ग्रीन। सेमती सपोज एनिमल विषय रे पढौचंती, टाइगर रो चित्र टे देखैबे पिला माने कहबे टाइगर, सेमती डॉग रो चित्र टे देखैबे पिला माने कहबे डॉग। फ्लैश कार्ड माने फ्लैश हबो खाली तुम आखि सामने स्थिर ही रहबनी, फ्लैश हबो। देन तापर आसला कोन प्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, कोनोसी प्रकार रो प्रेजेंटेशन हे पारे, ड्रामा हे पारे, कोनोसी प्रकार रिएक्शन तुमको करे कि टेबल ऊपर टीचर देखौचंती, विभिन्न प्रेजेंटेशन, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ए जेमती प्रिंटेड पीडीएफ रो तुमनको वर्तमान मु पढौची, एमती तुम टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक रो तुमे पढौछ सेगुडा को सब होची विजुअल एड। देन आसला ग्राफ्स, विभिन्न प्रकार ग्राफ, ईसीजी जहार जहार हेति बा जा मां बापा जेजे बापा जेजे मां जहार जहार हेति गोटे ग्राफ चले, बा जो माने टीवी रे भी देखिथिबो फिल्म फिल्म देखिथिबो ग्राफ चले, गोटे मझे टू हो जाए मरी जाती, तापर पुनी ठाकुर को डका जाए, तापर पुनी से पुनी जीवित हुंती, एबले गोटे चले। तो ए जो जिनस ग्राफ हला, इन्फोग्राफिक्स हला, इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स हला, किसी ग्राफिक्स थी तार इनफर्मेशन थी, से सब जिस गुड़ाक कौन है ना विजुअल एड भितर गला। सेमती ऑडियो एड है जो केवल तुम श्रवण इंद्रियटा इनवल्व थो, मैंने तुम शुणी पार्थ, रेडियो है जो विजुअल न थो, टेप रेकर्डर है, विभिन्न प्रकार सीडी है जो द्वारा कि पिक्चर आसवि खाली शुणी पार, आगू देखि गोटे मेसीन थी, एमती सीडी टे पकाव, एमती घूरू थी तर गोटे माइक भाया लगे से गीत बाजुव, से सब जिस टाइप सीडी जो गुड़ाक है से गुड़ाक तुम ऑडियो एड्स गला। देन आसा ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स मैंने कौन, जो थे वीडियो भी थी ऑडियो भी थी, माने जमीक फिल्म तुम्हें देखुच, जमीक विभिन्न डॉक्यूमेंटरी देखुच, विभिन्न वर्चुअल क्लासरूम होची, वर्चुअल क्लासरूम जमीक माने खान सर क्लास जो गुड़ाक होची वर्चुअल क्लासरूम, कि बहुत गुड़े वर्चुअल क्लासरूम थाए, टीचर गोटे स्मार्टबोर्ड सामने कि कौन से प्रकार पिला पढ़ाऊ बा स्मार्टबोर्ड सामने टीचर थे आउ स्क्रीन रे पिला देखा जाऊला, ठीक अच्छे। तो सेगुड़ा कहला तुम वर्चुअल क्लासरूम, मैंने टीचर लाइव प्रेजेंट नथिबे, वीडियो रे प्रेजेंट थिबे, आउ सेटा किंतु लाइव इंटरेक्टिव, जेमती वर्तमान माने आमे जते बेले हमर गूगल मीट रे क्लास करूचे, गूगल मीट रे जते क्लास करूचे, जेमती पिला मानकर जहां डाउट रहिचे सेमाने पचारी पारुचंती, सेमती तुमर कोन होइचे ना वर्चुअल क्लासरूम, माने टीचर तुम पाखे फिजिकली प्रेजेंट नथिबो, वर्चुअली प्रेजेंट थिबो। देन तापर आसिला लैंग्वेज लैबोरेटरी, लैंग्वेज लैबोरेटरी माने जोटी विभिन्न प्रकार लैंग्वेज तुम सीखी पारिबो, एटा को एटा तुमर माने गोटे गोटे पर्टिकुलर टाइप तो कहि पारिबनि, टाइप मुख्यतः एई तीनटा ही रहिचे, उपर तीनटा लैंग्वेज लैबोरेटरी माने विभिन्न प्रकार पुस्तक ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी एक्स वाई जेड, तापर हमर शब्दकोश वगैरह थिबो जोथुरु तुम माने विभिन्न जिंस सीखी पारिबो। कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग लर्निंग आईसीटी रे पढ़ी थी सब जिन गुड़ाक आईसीटी चैप्टर रे, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग लर्निंग माने कौन, जो थी प्री रेकॉर्डेड डीवीडी थी कि सीडी थी कि ऑनलाइन क्विजर्स थी कि ई बुक्स बहुत प्रकार थी, विभिन्न प्रकार पॉडकास्ट व ब्लॉग्स थी जो थ्रू कि तुम्हें देखिक किसी जिन सीखी पार, माने जो टीचर नथिबे कंप्यूटर तुमको असिस्ट कर लर्निंग रे, माने टीचर थिबे किंतु कंप्यूटर असिस्टेंस बेसी अधिक मात्रा रे दरकार पड़ू। देन तापर आसला आमर आडवांटेजेस कौन कौन अच्छी, आडवांटेजेस देखा, आडवांटेजेस कौन कौन अच्छी देख, खाली मेन पॉइंट गुटा टच करी, एटा कौन करे ना वर्बल इंस्ट्रक्शन को सप्लीमेंट करे, माने टीचर कही कही कि गोटे जिनस बुझौची ताठू बेटर से किसी जिनस देखे दौ, टीएलएम आकार में किसी जिनस देखे दौ, सो दैट पे बेसी भलि बुझीपारे। देन तापर आसला टीचिंग एड्स मेक्स टीचिंग परमानेंट, टीचिंग एड कौन करे ना टीचिंग टाक परमानेंट कर दिए, माने जहाँ शिक्षक शिखौची से पिला माइंड में रिटेन होकर रही जाए अधिका समय पर। टीचिंग एड प्रोभाइड वैरायटी, टीचिंग एड कौन कर ना पिला वैरायटी माने जो लर्निंग को आमर आउ टीचिंग को वैरायटी प्रोवाइड करिवो, माने आमे कोन करिवो ना वेरियस वेज वेरियस टाइप वेरियस एंटरटेनिंग मेथड यूज करके पिला मानको पढ़ाई पारिबा, सो दैट पिला माने गोटे रट्टा हुआ मेथड रे बोर हो जिवेनी। जेमिते कि जते बेले आमर कोन हुए ना टीचर सेंट्रिक क्लासरूम थाए, लेक्चर मेथड रे टीचर आसी पढ़ाइबे, टीएलएम हिसाब से केवल यूज करिवे ब्लैक बोर्ड चॉक आउ डस्टर, सेते बेले पिला मानकर कोन माने बोर्डम क्रिएट हो जिवो। किंतु जदि को दिन टीचर कोन करउचंती ना किछि एक्सपेरिमेंट करउचंती, को दिन टीचर कोन करउचंती ना देखउचंती टिके आमर जो टीएलएम गुडा को किछि अदर टाइप रो टीएलएम देखौचंती, कोउ दिन किछि चैट देखौचंती, ताले कोन हबो डेफिनेटली पिला मानकर आग्रह सृष्टि हबो पढ़ा प्रति। देन आसीबो अट्रैक्टिंग अटेंशन,
TLM कौन कर ना पिलामानंकर अटेंशन को अट्रैक्ट कर सपोज टीचर ब्लैकबोर्ड रे कौन करते ना त्रिभुज चतुर्भुज गोल वृत्त काटिक शिखुं अपेक्षा जदि टीचर कौन करते ना सोलर कि आम कागज में विभिन्न रंग बेरंग सब शेप गुड़ा काटिक आनी से गुड़ा देखते सो पिलामानंकर अटेंशन बेसी मात्रा रे ड्रॉ हम देन आसला टाइम एंड एनर्जी सेव हम बोथ स्टूडेंटर और टीचर टाइम आउ एनर्जी सेव हम जदि TLM जरिया तुम्हें पढ़ेल TLM विभिन्न प्रकार हो पे मैंने प्रोजेक्टर यूज करके वीडियो वीडियो भी तुम्हें देखे पार आम पढ़े ऑडियो विजुअल TLM विजुअल TLM विभिन्न प्रकार जो तुम्हें देखिए पढ़ेल तेल कौन हम ना तुम्हारा मेटेरियल टाइमटा भी सेव हम देन आसो हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन गोटे डेवलप हम मैंने स्टूडेंट टीचर भितर कम्युनिकेशन बढ़ो हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट गोटे तुम डेवलप हम क्रिएट सिचुएशन टीचिंग लर्निंग कि गोटे बेस्ट सुटेड सिचुएशन टीचर क्रिएट करेंगे TLM रो व्यवहार करके माने जो पिलामानंकर पार्टिसिपेशन बढ़िबो डिस्कशन बढ़िबो पिलामानंकर भय दूर हम पिलामानंकर आउ कौन हम ना जो आमर से बूस्ट हे पढ़ा प्रति से आग्रह बढ़िबो स्किल डेवलपमेंट हम से फन वे रे पढ़े सो बेसी जिनस कम टाइम भितर शिखिपारे आधिक दिन जाए मन रखिपारे सो ये जगह कौन बेस्ट सुटेड क्लासरूम हम बेस्ट क्लासरूम सिचुएशन क्रिएट हो पार देन आसला कौन ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी गोटे क्रिएट हम क्लासरूम भितर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हम जेको डिसिप्लिन पाठ पढ़ा होना पॉजिटिव एनवायरनमेंट गोटे क्लासरूम भितर क्रिएट हो सपोज हिस्ट्री पढ़ा हो टीचर टाइम लाइन देखुं बाबर विषय में पढ़ाऊँ बाबर फोटोटे देखुं अकबर विषय में पढ़ाऊँ फोटोटे देखुं सो कौन हम ना जो से जो डिसिप्लिन पढ़ाते हिस्ट्री डिसिप्लिन पढ़ाऊँ से कौन हम ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट से पढ़ाई पिलामानों भितर क्रिएट हो क्लासरूम क्रिएट हो इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करेंगे TLM बहुत साहय करे सपोज गोटे पिलाटे अच्छी जी वीक अच्छी है वीक अच्छी अन्य स्टूडेंट मानों वीक अच्छे जो टीचर ब्लाकबोर्ड में किसी जिनसे लिखी दौर से शेप आंकी दौर से जापुनि जो आयत क्षेत्र वर्गचित्र भर डिफरेन्स कौन रंबस पुणी गोटे कौन वर्गचित्र जो रंबस तो सही ट्राफिक जम पुणी गोटे कौन से गुटा सब ए सब जिन गुड़ा विषय में किसी जापुन है तो से टीचर कौन करेंगे ना विभिन्न शेप्र हार्ड मटेरियाल जदि हाथ को देखे आगे देखेले कौन हम ना से जिनटा शिख सो इंडिविजुआल डिफरेन्स एड्रेस हो पार ये देन आसला स्पीच ट्रेनिंग मिले पाला स्पीच ट्रेनिंग मिले मैंने कहवापी टीचर पिला प्रोत्साहित करेंगे क्वेश्चन पचारे प्रोत्साहित करेंगे सो स्पीच ट्रेनिंग मिले देन आसला रिटेन लांगुएज आइटम्स जहाँ भी लांगुएज पढ़ाई जब टीचर किसी मटेरियल यूज करते से लांगुएजा पिलाने बेसी भल भाव में शिखिपारे है सपोज पिला हिंदी शिखा हो आमती शिखा हो पाने मन रखी पार ना सपोज यू अदर किसी वे रे शिखाला सपोज कौड़ी 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 को जोड़ी ये शेप करके पाला शिखाला तो कौन है पिलामर लांगुएज आइटम शिखबार दक्षता वृद्धि पाव देन आसला कौन दिस गिवस विविडनेस टू द सिचुएशन विविडनेस टू द सिचुएशन मैंने डायनामिक मानने आंगेलटे दबा मैंने कौन से जिनस को गोटे डायनामिक आंगेलटे दबा सपोज जमी मुझे कहली अ आ शिखा होती टीचर कौन कले ना अ आम ब्लाकबोर्ड में लिखिले पिला लिखी पार ना तो टीचर तक कौन कले ना बाली कि मुरुजे कि कौड़ी में कि पकड़े चक्रे लिखार अभ्यास करेले तो सहीटा को कहवा विविडनेस डायनामिक थट जोटा कहते देन आसा आबस्ट्राक्ट आईडियाज कंक्रीट एंड दस दैट हेल्प इन मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव आबस्ट्राक्ट आइडियाज गुड़ाक आबस्ट्राक्ट आइडियाज जो गुड़ाक आम थाए कंक्रीट कराए मैंने विमूर्त चिंताधारा जोड़ा था आम खाली जोड़ा कल्पना करूँ इमाजिन करूँ से जदि कौन कराए ना कंक्रीट करके आम आगे गोटे प्रकृत वस्तु हिसाब से प्रकाश कर दि जाए चंद्रयान माने आम जापर नी चंद्रपृष्ठ को कमी सब जान पठाऊ लोक केमी जाऊ कि से भिडटा जब तुमको देखे दि जाए तो तुम कौन हम गोटे कंक्रीट आइडिया हो ना हाँ एमती पिंधि पांधिक सुट वुट पिंधिक एमती जाइए आठी एमती ओल्लैले तो तुम गोटे आइडिया क्रिएट हो तुम्हें जितेबाला रोबोट मूवी देखी देच भाविच रोबोट गुड़ाक सेमती आ बोधे मैंने रजनीकांत भाई देखा जाती किंतु रोबोट जितेबाला एक्चुअली तुमको गोटे देखा विभिन्न प्रकार रोबोट अच्छी जो गुड़ाक मानते विभिन्न प्रकार रोबोट तुमको देखा दिजाव तुम गोटे कनसेप्ट चेंज हो आइडिया चेंज हो आबस्ट्राक्टिजमटा कंक्रीट थट्रे तुम कनवर्ट हम देन आसा 14th नंबर पॉइंट लास्ट पॉइंट टीचिंग एड्स प्रोवाइड गुड सब्सटीट्यूट फर द रियल ऑब्जेक्ट टीचिंग एड कौन करे ना गुड सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करे रियल ऑब्जेक्ट को काटिक गुड सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करे मैंने सपोज गोटे पिला पहाड़ पर्वत देखेनि जेकि कटक्रे रोचे कटक्रे राणीहाट्रे तर घर राणीहाट्रे तर स्कूल राणीहाट्रे तर कलेज मैंने शलवाला कलेज से पढ़ु कि रेवेन्शा कलेज पढ़ु से पहाड़ देखनी कटक पिलाटे पहाड़ कौन देख से पहाड़ देखनी तो पहाड़े केमी रियल पहाड़ पाखक जब नहीं होनी चित्र जरिया पहाड़ देखे दि जाऊँगी कौन हम ना तार गोटे रियल सिचुएशन विषय में आइडिया आसा ओब्वियसली मो कथ कहली मुझे जब पर्यटन कलाहांडी जा नी मुझे पर्यटन पहाड़ एक्चुअली एमती देखा जाए जान नी पहाड़ में सूर्य एक्चुअली एमती उदय हूँ झरणा गुड़ाक एति की सुंदर होता है बहुत लेट्रे मुझे जानी टी फिवे देखिए एत जिन अनुमान करें प्राक्टिकली जा नी जान नी झरणाटा एत भयंकर बहे
ଆଉ ତା ସେଠି ପଢ଼ିଲା ମାନେ ମରିବ ସିଓର, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଲ୍ସ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଟି ଏଥିରେ, ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଡଗାର ଡେଲ୍ସ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଡେଲ୍ସ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକୁ ଯିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଡିସ୍କଭର ନୁହେଁ, ଏ ଥିଓରିଟା ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଏଡଗାର ଡେଲ୍ ହେଲା, ଏଡଗାର ଡେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କହିଥିଲେ ହ୍ୟୁମେନ୍ ତା'ର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହେଲା, ହ୍ୟୁମେନ୍ ତା'ର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିପାରେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଗଣିଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ଼୍ଟା ରହିଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କୋନ୍ଟା ରହିଛି ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି କେତେଟା ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସେଇଠୁ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ କେତେଟା ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଆଗ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା କନ୍କ୍ରିଟ୍, ତଳଟା ହେଉଛି କନ୍କ୍ରିଟ୍ ଥଟ୍, ସଭା ତଳଟା ହେଉଛି ତୁମର କନ୍କ୍ରିଟ୍ ଥଟ୍ ବା କନ୍କ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ପାଅ ହେଲା। ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ କନ୍କ୍ରିଟ୍ରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ ଯିବ, କନ୍କ୍ରିଟ୍ରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତଳ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସବୁଠାରୁ ସେତେବେଳେ ତୁମର ମୋର୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ଅଧିକା ସେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ତୁମେମାନେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଲେସ୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ର ୟୁଜ୍ ହେବ ହେଲା। ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କ୍ଲିଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି କ୍ଲିଅର୍। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା, ଏ ଯେଉଁ ଏଡଗାର ଡେଲ୍ସ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖିବା ଡିରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳୁଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳୁଛି। ସପୋଜ୍ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈଳବାଳା କଲେଜକୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଶୈଳବାଳା କଲେଜକୁ, ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଗଲେ। ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ସେ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖିଛି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମିଳିଛି, ସେ ଭିଡ଼ଟା ସିଏ ଦେଖିଛି, ଶୁଣିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଧକ୍କାମୁକି ଖାଇଛି, ତ ସେଠି କ'ଣ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ବା ବେଶୀ ସେନ୍ସେସନ୍, ବେଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ସେଠୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା, ସପୋଜ୍ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଟା ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିକି ଫିଲ୍ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଭାବୁଛ, ଇମାଜିନ୍ କରୁଛ ଯେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଦେଖ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ କମ୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡ୍ରାମା ଆକାରରେ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ସପୋଜ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ କେମିତି ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିକି ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏମିତି ଠେଲା ପେଲା ହେଉଥିଲା, ଏହା ହେଉଥିଲା, ତା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାନେ ପୁରା ଡେମୋ କରିକି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇକି ଆସିଲା, ଏଇଆ ହେଲା, ସେଇଆ ହେଲା, ବା ସପୋଜ୍ ନାଲି ଲିଟମସ୍ ନୀଳରେ ସରି ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ତୁମର ବ୍ଲୁରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବା ବା ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ତୁମର ରେଡ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବା ଏସିଡ୍ ଆଉ ବେସ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍, ମାନେ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ତୁମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଆଗଲା। ସପୋଜ୍ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ତୁମକୁ ସପୋଜ୍ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମୁହାଣକୁ ନିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କୁହାହେଲା ଯେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା'ର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ କେମିତି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କଲ, ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଗଲା। ଏକ୍ସିବିସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସିବିଟ୍ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯାଇକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନେଇଥାଅ, ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ଏକ୍ସିବିସନ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର, ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର ମାନେ ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ହେଲା କି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ତୁମେ ନିଅ ସେଇଟା ହେଲା ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର। ଷ୍ଟିଲ୍ ପିକ୍ଚର ଅର୍ ରେଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ରେଡ଼ିଓ ଅର୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ତୁମର ଆଉ ଟିକିଏ ମିନିମମ୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ର ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା, ଆ ଦେହରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭାବିବାକୁ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ଭାବୁଛ, ଇମାଜିନ୍ କରୁଛ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଜେ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫିଗର୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ। ସେମିତି ହେଲା ରେଡ଼ିଓ,
କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇ ଦିଆଗଲା, ସପୋଜ୍ କାହାର ଗୋଟେ ଆୱାଜ, ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମାନେ ଏଇ 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 ଗୀତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏଇ ଏଇ ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସେ ତୁମେ ଗେସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲ ଯେ ଏଇଟା ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ, ସେମିତି ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ। ଭିଜୁଆଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ ମାନେ ସପୋଜ୍ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ ନା ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସାଇନ୍ ଦେଖୁଛ ହମ୍ସର, ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସାଇନ୍ ଦେଖୁଛ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରେ ଅଛି ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦେଖୁଛ। ସେ ସାଇନ୍ ଦେଖିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବାଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଭିଜୁଆଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଭର୍ବାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍। ଭର୍ବାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଭାଷାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ବା ଯେଉଁଠି ଭାଷାଟା ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଥିବ, ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ହଉ ବା ଓରାଲ୍ ହଉ, ଭାଷାରେ ଥିବ। ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା। ସେ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ତୁମର ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଜମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ହେଲା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଜମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ତୁମର ସେଇ ହିସାବରେ ଅମୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଶିଖିନ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବନି। ଯଦି ସମାନ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁଟା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ପାନିଶ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଇନ୍ର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ହେଲା ଏତେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ହୁଏତ କାହାର ନ ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ମାନଙ୍କରେ। ସୋ ଏଡ୍ଗାର୍ ଡେଲ୍ ମୂଳତଃ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ା କହିଥିଲେ। ଆଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ କହିଦେଉଛି, ଆଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏମିତିଆ ଯେ ରୁଟ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ବା ବେସ୍ରେ, କୋନ୍ର ବେସ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, କୋନ୍ର ବେସ୍ରେ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ। ତ ଲେଖାହେଇଥିବ ଯେ ବେସ୍ ଟୁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବା ଲୋ ଟୁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ମାନେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଡିରେକ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତୁମେ ସେଠି ଲେଖିବ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କନକ୍ରିଟ୍ରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଡିରେକ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କନକ୍ରିଟ୍ରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଡିରେକ୍ଟ ହେଉଥିବ। ସେଠୁ ପଚାରିବ ଯେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସର କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହାଇ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ ସଭା ତଳେ ବା ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିବା ବା ବେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବା, ଆଉ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ସେତେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସର ଆମର ୟୁଜ୍ କମି 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଇନଥିବ, କାହିଁକିନା ସହଜିଆ ଚାପ୍ଟରଟା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଓଟିଇଟିରେ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଜେଟିସି ପାଇଁକି ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ କି ଆର୍ଏଚ୍ଟି ପାଇଁକି ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ସେଥିରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, ତ ସେଠି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ, ଅଡ଼ିଓ ଏଡ୍ସ, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଡ୍ସ ଥିବ, ତ ତୁମକୁ ମାରିବାର ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଫିଲ୍ମ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ, ଅଡ଼ିଓ ଏଡ୍ସ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବୋଭ୍, ତୁମକୁ ମାରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ। ସେମିତି ତୁମକୁ ପଚାରିଥିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ TLM, ସେଠି ଆନ୍ସର୍ ଥିବ ସିମ୍ପଲ୍, ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ଥିବ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସରି ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଫୋର୍ଥ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଥିବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବୋଭ୍। ସୋ ତୁମକୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବୋଭ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମାରିଦେବାର ଅଛି ସେଇଠି, କାହିଁକିନା ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସରେ। ସେମିତି ତୁମକୁ ପଚାରିଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ TLM, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମର ସେଠି ଅପ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଥିବ, ମେକିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ, ଦେନ୍ ଆସିବ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବୋଭ୍। ସୋ ଚାରି ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବୋଭ୍ ଥିବ ତୁମେ ସେଇଟା ମାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଡ଼ିପାରେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ TLM, ତ ତୁମେ ଲେଖିବ TLMs ଶୁଡ଼୍ ବି ଲୋ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶୁଡ଼୍ ବି ଲୋକାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ମାଟେରିଆଲ୍, ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ତୁମର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ଡିଜାଇନିଂ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ TLM। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ଯେ TLMs ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, କ୍ଲାସିଫାଇ ଦ TLM ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ଯେ TLMs ଶୁଡ଼୍ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ସୋ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିବ ସେଇଠି ଭୁଲ, ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ, TLM କେବେ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ TLMର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବା ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ନା TLMଟା ସବୁବେଳେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବ, ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ସମରାଇଜେସନ୍ ବି କରିଦେଲି, ଭାବୁଛି ଯେ କାହାର କିଛି ବି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ରହିନଥିବ, ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସୋ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସାରିଲି ତାହେଲେ।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल दी एंड बर्तमान पर्यटन लाइक सेयर सब्सक्राइब न करते मो चैनल को करदे एमती बहुत किसी यूजफुल वीडियो गुड़ाक मुझे आनबी जो गुड़ाक कि आपंकर बीएड एमएड मैंने बाहर स्टेट्रे जो मैंने बीएड करते जम्मू काश्मीर बीएड हो कि आम आंध्र प्रदेश बीएड हो कि जो बीएड हो ग्रेजुएशन पिलांग कि एजुकेशन जो मैंने ग्रेजुएशन करुँच ओटीईटी सीटीईटी और स्टेट जेटीसी आरएचटी सब पाई सब भिड गुड़ाक यूजफुल सो डेफिनेटली शेयर विथ योर फ्रेंड्स वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल दी एंड जय जगन्नाथ।